Redmi K20 Pro वर्सेस Vivo V15 Pro कैमरा कंपैरिजन टेस्ट में आप सबका स्वागत है। टेक्निकल गुरु अतुल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अतुल डोबरिया। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना। चलिए आज हम बात करेंगे दोनों मोबाइल की कैमरा कंपेरिजन, बहुत सारे फोटोग्राफ और काफी सारे वीडियो, स्लो मोशन वीडियो, सब कुछ जो इस वीडियो में आपको कंपेयर करके मैं दिखाऊंगा। और साथ में सुबह से लेकर दोपहर, शाम, इंडोर, आउटडोर, नाइट मोड, काफ़ी सारे फ्लैश लाइट वाले भी फोटोग्राफ, सब कुछ जो इसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत से फोटोग्राफ और बहुत सी वीडियोस, सब कुछ जो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे आज। सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों मोबाइल की कैमरा की, Redmi K20 Pro में आपको बैक साइड में 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको जो फ्रंट में मिलता है कैमरा वो मिलता है 20 मेगापिक्सल का। उसके बाद अगर बात करें Vivo V15 Pro, तो आपको यहाँ पर Vivo V15 Pro में बैक साइड में 48 मेगापिक्सल की बाइंडिंग इमेज प्लस 8 मेगापिक्सल और प्लस 5 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और सब फ्रंट में मिलती है आपको 32 मेगापिक्सल की कैमरा सेल्फी। Redmi K20 Pro या Vivo V15 Pro की स्पेशल कैमरा टेस्ट या उसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ आई बटन में आपको जो लिंक दे रहा हूँ, आई बटन पर क्लिक करो, वहाँ से Redmi और Vivo के भी जो कंपैरिजन आपको मिल जाएंगे, तो उस चीज़ को आप जो चाहो तो देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो आगे का जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं सुबह के इंडोर फोटोग्राफी से, इंडोर LED लाइट्स के अंदर। तो कुछ दूर से थोड़े क्लोजअप सारे फोटोग्राफ आप देख सकते हो, नीचे ओरिजिनल वाटरमार्क दिखाई देगा। हम किसी फोटो को जो है जूम करके या काट कर यहाँ पर नहीं लगा रहे, 100% ओरिजिनली फोटो मिल सकती है। कुछ एक अंदर इंडोर प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ देख सकते हो, तो थोड़ी सी लाइट्स हमें काफ़ी अच्छी जो है K20 Pro में देखने को मिल जाएगी, तो उस समय की ये फोटोग्राफ आप देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा लाइट्स आ रही है, तो इस कंडीशन में काफ़ी अच्छा व्यू जो हमें K20 Pro में मिल जाता है, पर थोड़ी सी जो है नॉइस हमें देखने को मिलती है Vivo V15 Pro में। तो इस कंडीशन में सेल्फी भी हम लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी नॉइस, वाइट नॉइस और कुछ एक बोल सकते हैं थोड़ा सा एक्सपोजर Vivo में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आउटडोर में चले जाते हैं जहाँ से लाइट्स हमें सामने से रिफ्लेक्ट होकर मिलती है, तो इस कंडीशन में काफ़ी अच्छी लाइट मिलती है। यहाँ पर अगर हम फोटो क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है, बस थोड़ी सी एक्सपोजर, थोड़ी सी लाइट हमें Vivo में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये शॉट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो Vivo में थोड़ा सा डार्क हमें फोटो मिलता है, तो उसकी वजह से और क्लाउड्स वगैरह हो गए और जो आकाश वगैरह है जो काफ़ी अच्छा जो हम देखने को मिल जाता है स्काई वगैरह। तो हम जो है 48 मेगापिक्सल वाला जो मोड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर K20 में भी काफ़ी अच्छा फोटो मिल जाता है। फिर एक छोटे से पिंक कलर के फ्लावर का अगर फोटो देखो तो यहाँ पर अगर K20 Pro में हमें थोड़ी सी एक्सपोजर ज़्यादा मिलती है। अगर इस फोटो को हम देखिए क्रॉप करके यहाँ पर लगा दे तो आप देख सकते हो जैसे ही हम फोटो को जूम करते जाते हैं फिर ओवर जूम कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ कि K20 Pro में हमें काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाती है। थोड़ी सी डार्क हमें Vivo में मिलती है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड से काफ़ी ज़्यादा लाइट्स मिल रही है। उसी कंडीशन में अगर सामने से फ़ोटो क्लिक करते हैं जहाँ से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर से चेहरे पर आती है तो उस कंडीशन में फेस को जो हम क्रॉप करके यहाँ पर लगाते थे तो थोड़ी सी एक्सपोजर ज़्यादा और थोड़ा सा लाइट इफेक्ट जो हमें देखने को Vivo में मिलता है। बाकी ओवरऑल K20 में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। फुल सनलाइट में अगर ये पेड़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे पत्ते मिलते हैं लेकिन थोड़ा कलर टोन ज़्यादा था तो हमने प्रो मोड यूज़ किया यहाँ पर K20 में, तो काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। अब हम चलते हैं आउटडोर में और वहाँ पर भी काफ़ी सारे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी दूर से फोटो, फिर एक साइड से फोटो, तो यहाँ पर थोड़ी सी नॉइस Vivo में मिलती है, बाकी क्लियर पिक्चर K20 में मिलती है। यहाँ पर ये पत्तों की बात करो तो काफ़ी नेचुरल टोन मिलता है K20 में, थोड़ा सा पीलापन जो हमें ज़रूर देखने को मिलता है Vivo में। तो यहाँ पर मैं जो है अलग अलग कलर टोन यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो अलग अलग प्रो मोड के अंदर कलर टोन से आप जैसे इफेक्ट चाहो तो दोनों में प्राप्त कर सकते हो, और Vivo में चाहो तो आप वहाँ पर कलर टोन जो है येलो वाला थोड़ा सा कम भी कर सकते हो प्रो मोड में जाकर वाइट बैलेंस के अंदर। फिर मैं आपको दोनों मोबाइल की जो है एक फ्लावर्स की फोटोग्राफ है उसको दोनों अलग अलग कलर मोड में यूज़ करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाएगा। दोनों में अलग अलग कलर टोन मिलते हैं जहाँ पर आप जो कलर मोड से आप यहाँ पर जो है फोटोग्राफ चूज़ करके अपना मनपसंद कलर का फोटो खींच सकते हो। यहाँ पर ये नॉर्मल फोटो हो गई, अगर हम जूम कर देते तो थोड़ी सी लाइट्स हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर K20 के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है पर थोड़ा सा डार्क हमें फोटो Vivo V15 में मिल जाता है। अगर येलो फ्लावर की बात करें थोड़ी सी छाँव के अंदर तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेलिंग Vivo में मिलती है, थोड़ी सी डार्क मिलती है। K20 में भी काफ़ी अच्छी फोटो यहाँ पर मिल जाती है। अगर फुल सनलाइट में येलो फ्लावर्स की बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है।
फिर कुछ नेचुरल पत्तियों की बात करें तो थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्शन K20 में देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर बात करें एक पिंक कलर के रोज़ फ्लावर की, तो उसको भी हम देखिए थोड़ा क्लोजअप फोटो लेते हैं और दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। थोड़ी सी लाइट समय अगर फोटो को क्रॉप करके दिखाते तो थोड़ी सी लाइट्स काफ़ी अच्छी जो है हमें देखने को K20 के अंदर मिल जाती है, और डिटेलिंग चाहो तो दोनों में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिलती है। बस थोड़ा सा हमें लाइट का जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं थोड़े से एक नो छोटे से माइक्रो फ्लावर्स की, तो उसको भी हम देखिए जूम करके दिखा देते हैं तो थोड़ी सी कलर टोन में चेंजेस दिखता है, बाकी क्लियरिटी दोनों में अच्छी मिल जाती है। अगर यहाँ पर वाइट पर्पल कलर के फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक जो है थोड़ा सा डार्क फोटो मिलता है वीवो में, क्योंकि उसके ऑटो कलर टोन की वजह से। यहाँ पर नेचुरल फोटो K20 में देखने को मिलती है 100%, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। डार्क फोटो की वजह से थोड़ा सा कलर टोन जो है काफ़ी अच्छा थोड़ा सा ओवर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे टोन भी पसंद आते हैं। फिर बात करते हैं छोटे छोटे एक और पिंक कलर के फ्लावर को, उसको भी हम यहाँ पर क्रॉप करके लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग K20 ने कैप्चर कर ली है। पर छोटे फ्लावर के अगर कभी फोटो खींचते हो तो कभी कभी फोकस इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा हाथ हिलने से भी, तो थोड़ी सी ब्लर इमेज भी कहीं कभी कभी देखने को मिल जाती है। उसके बाद फुल सनलाइट के अंदर बात करें, थोड़े दूर से फोटो थोड़ा क्लोजअप फोटो, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो थोड़ी सी कलर टोनों में K20 में मिल जाती है। अगर प्रो मोड का यूज़ करो तो दोनों में आप जो है काफ़ी अच्छे फोटो प्राप्त कर सकते हो। मैं यहाँ पर प्रो मोड यूज़ करके 4-5 फोटोग्राफ आपको, सॉरी 10-12 फोटोग्राफ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद नेचुरल पत्तियों की बात करें तो दोनों में काफ़ी अच्छी फोटो मिल जाती है। थोड़ी सी डार्क वीवो में मिलती है पर डिटेलिंग मिल जाती है। पेड़ की छाँव में एक सेल्फी हो गई, फिर फुल सनलाइट सामने से सनलाइट चेहरे पर आती है, अभी सनलाइट जो है ठीक बैक साइड से आ रही है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो व्यू में कौन सा अच्छा फोटो मिल जाता है। आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हो कौन सी कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। यहाँ पर अगर बादलों की बात करें तो बादल काफ़ी अच्छे व्यू में मिलते हैं, पर अगर नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं उसकी बात करें तो उसकी डिटेलिंग हमें K20 में मिल जाती है। यहाँ पर बात करें पेड़ की छाँव में जो मेरी बेटी खड़ी है, ये नॉर्मल फोटो हो गई। उसके बाद अगर पोर्ट्रेट चाहो तो देखिए नॉर्मल पोर्ट्रेट है K20 के अंदर, और यहाँ पर डेप्थ को कंट्रोल करने का भी दिया गया है ऑप्शन, जिससे और भी ब्लर कर सकते हो बैकग्राउंड में, तो इस चीज़ को आप जो नोटिस कर सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ एक सिनेमेटिक लुक, जैसे मैंने प्रो मोड से फोटो क्लिक की, उसके बाद ये हम छोटा सा जूम टेस्ट कर रहे हैं। सामने मेरी बेटी खड़ी है, वो लगभग 70 फीट दूर है। यहाँ पर आपको लगता होगा कि K20 के अंदर जो है हमें थोड़ी डार्क फोटो मिल रही है और वीवो में थोड़ी लाइट वाली फ़ोटो मिल रही है, तो अगर हम जूम में और आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4x जूम के अंदर भी आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइट हमें वीवो में मिलती है, लेकिन डिटेलिंग जो है वीवो आगे धीरे धीरे छोड़ देता है। 10x जूम के अंदर काफ़ी क्लियर फोटो K20 में मिल जाती है, वहाँ पर वाइटनेस मिल जाती है सही, एक पिक्चर्स आप पहचान पाओगे, लेकिन डिटेलिंग जो है कुछ मिसिंग हो जाएगी। फिर एक जूम टेस्ट और करते हैं, सामने जो फैक्ट्री है वो लगभग 700-800 मीटर दूर है, फिर 2x जूम कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीवो में वापस हमें थोड़ी सी लाइट्स देखने को मिल जाती है, तो पिक्चर्स हमें सामने जो है कैप्चर करता है वो में डिटेलिंग तो मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी नॉइज़ भी सामने मिल जाती है 10x जूम में। तो दोनों में हमें 10x जूम का सपोर्ट मिलता है, लेकिन टेलीफोटो जो लेंस है काफ़ी अच्छा K20 में मिलता है। दोपहर के 2 बजे के आसपास के फ्लावर्स की फ़ोटो हमने ली तो थोड़ा सा लाइट टोन जो हमने चेक किया कि कैसा मिलता है, तो K20 में थोड़ा सा कलर टोन ज़्यादा मिलता है 2 बजे के आसपास। मैंने प्रो मोड यूज़ किया उसके बाद नेचुरल फ़ोटो जो है कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बात करें शाम के 4 बजे के आसपास फोटोग्राफ सेल्फीज हो गया, उसके बाद सेल्फी में एक और पोर्ट्रेट हो गया, तो थोड़ी सी लाइट हमें व्यू में मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें नॉर्मल फोटो बैक साइड से तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिल जाता है थोड़ा दूर से, थोड़ा पोर्ट्रेट वाला, तो पोर्ट्रेट में आप डेप्थ फील्ड जो है कंट्रोल कर सकते हो K20 प्रो के अंदर आराम से, ज़्यादा ब्लर कर दो या फिर नॉर्मल ब्लर, तो ये फंक्शन हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फिर उसी समय के कुछ एक व्यूज़ आपको जो है दिखा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में काफ़ी अच्छे फोटो मिल जाते हैं। दोनों में प्रो मोड मिलता है, जैसा चाहो इमेज प्राप्त कर सकते हो। शाम के 6:30 बजे के आसपास कुछ फोटोग्राफ यहाँ पर मैंने क्लिक किए तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा फोटो मिलता है, फिर ये नॉर्मल फोटो हो गया, उसके बाद एक पोर्ट्रेट शॉट हो गया। तो शाम के 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर पत्तों में काफ़ी अच्छी क्लियरिटी K20 में मिल जाती है, तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो। फिर हम थोड़े से और लो लाइट्स में चले जाते हैं, यहाँ पर मोबाइल की जो लाइट्स मिलती है उससे, फिर LED लाइट से फ़ोटो, फिर नॉर्मल व्यू जो है घर का, फिर और एक लो लाइट वाली फ़ोटो। अब हम टेस्ट करते हैं कुछ लो लाइट वाले फ़ोटो, तो यहाँ पर K20 में थोड़ी सी लाइट्स हमें देखने को मिल जाती है। सोनी का सेंसर लगा है तो लो लाइट्स में थोड़ी सी फ़ोटो अच्छी मिलनी है, तो इस चीज़ को याद रखना। फिर हमने दोनों मोबाइल में ऑटो पर जो डाल दी फ्लैश लाइट, तो यहाँ पर हमें जो वीवो में काफ़ी ज़्यादा लाइट मिली जब दोनों में हमने कंटिन्यू ऑन कर दिया
फ्लैश लाइट को, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा व्यू मिला। फिर हमने जो है वो टॉर्च मोड में मतलब कंटिन्यू जो है फुल फिल जो है ऑन कर दिया टॉर्च मोड को, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं आउटडोर स्ट्रीट फोटोग्राफी की, तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो नॉर्मल, फिर दूर से नज़दीक फ़ोटो, फिर वहाँ पर अगर लो लाइट्स में बात करें सेल्फी फ़ोटोग्राफ, उसके बाद पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा व्यू मिल जाता है। उसके बाद स्ट्रीट एक फोटोग्राफी की लो लाइट वाली, उसके बाद अब नाइट मोड की बात करते हैं, तो पहले हम आपको जो है लो लाइट वाली फ़ोटो दिखाते हैं, सामने जो बिल्डिंग वगैरह याद रखना, उसके बाद लो लाइट में नाइट मोड ऑन कर दिया तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा व्यू मिला। फिर एक और लो लाइट वाली फ़ोटो, तो यहाँ पर देख सकते हो लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी K20 Pro में फ़ोटो मिल जाती है। फिर हमने नाइट मोड ऑन कर दिया तो कुछ ज़्यादा ही हमें जो कि नाइट मोड में विजिबल हो गया K20 Pro के अंदर, लेकिन थोड़ा सा ये मोबाइल जो एडवांस जनरेशन वाला है Vivo V15 Pro काफ़ी पहले आ चुका है, तो Vivo के अब नेक्स्ट मोबाइल में भी काफ़ी अच्छा कैमरा मिलने की संभावना है। फिर एक नॉर्मल फ़ोटो हो गई, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वाइड एंगल, तो वाइड एंगल में लगभग ऑलमोस्ट जो है सेम एरिया कवर किया, पर यहाँ पर K20 Pro के अंदर आपको 2x जूम का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसकी टेलीफोटो की वजह से। और ये हमने फुल फ्रेम फ़ोटो जो क्लिक की दोनों मोबाइल से, तो दोनों में काफ़ी अच्छा और सेम मेरे ख्याल से जो है इमेजेस और पिक्चर्स वगैरह जो है सेम जो है क्लिक कर दिया साइज़ के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से। Redmi K20 Pro वर्सेस Vivo V15 Pro कैमरा कंपैरिजन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अतुल डोबरिया। अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल गुरु अतुल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन्स को जरूर दबाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो ये दोनों मोबाइल से जो है सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर मैं पेड़ की छांव में खड़ा हूँ, तो रिफ्लेक्ट लाइट जो डिफ्यूज़र लाइट्स आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। अभी हम बाहर चलते हैं थोड़ा लाइट्स के अंदर, और अभी आप देख सकते हो ये हो गया इन दोनों मोबाइल का इमेज स्टेबिलाइजेशन। तो ये दोनों मोबाइल में स्टेबिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, दोनों में पॉपअप कैमरा अवेलेबल है। अभी आप देख सकते हो सामने से जो काफ़ी सारी लाइट्स आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको कुछ ऐसा व्यूज जो देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ी लेफ्ट साइड से जो सनलाइट्स आ रही है, अभी बैक साइड से जो सनलाइट्स आ रही है, तो इस कंडीशन में ऐसा व्यू मिलेगा। और दोनों मोबाइल से जो बारी बारी आपको वॉइस देखने को मिल जाता है। तो हम जो है कैमरा को घुमाते हैं ताकि लाइट्स की पोजिशन के ऊपर आपको जो है इसकी क्वालिटी वगैरह जो है पता चल जाए। तो ये था इन दोनों मोबाइल का सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे 1080 पिक्सल्स वीडियो रिकॉर्डिंग, बात करेंगे मेन कैमरा रिकॉर्डिंग 1080 पिक्सल। सबसे पहले आपको जो इमेज स्टेबिलाइजेशन दिखाएंगे, और वॉइस भी इन दोनों मोबाइल से जो बारी बारी मिल रही है। ये हो गया इनका इमेज स्टेबिलाइजेशन, आप देख सकते हो इतना इमेज स्टेबिलाइजेशन जो दोनों मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपोजर और ऑटो फोकस वगैरह की। तो ये हो गया इन दोनों मोबाइल का जो एक्सपोजर वगैरह, और क्लियरिटी आप जो अभी देख सकते हो स्क्रीन पर। अगर चाहो तो अच्छे कंप्यूटर में कुछ बड़े स्क्रीन पर और कुछ अच्छी जो है पिक्चर क्वालिटी में आप देखोगे तो आपको जो है रिजल्ट्स पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑटो फोकस वगैरह की। तो ये हो गया इन दोनों मोबाइल का जो ऑटो फोकस बच्चों K20 Pro के अंदर आप देखोगे तो आपको 1080 पिक्सल्स जो है स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जहां पर 720 पिक्सल्स जो हमें छोटे साइज़ की जो है Vivo V15 Pro में देखने को मिलती है। लेकिन K20 Pro के अंदर आप तीन अलग अलग मोड में जो है स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो, जहां पर Vivo V15 Pro में सिर्फ 240 FPS यानी कि 240 FPS पर वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 240 FPS पर दोनों वीडियो जो है प्ले हो रही है, लेकिन K20 Pro के अंदर एक एक्स्ट्रा जो है आप 960 FPS वीडियो तक जो है बना सकते हो। ये हो गया उनका एक 960 FPS का सैंपल, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये कैमरा टेस्ट कैसी लगी? मैंने ऑटो मोड, प्रो मोड और कुछ एक 48 मेगापिक्सल वाले काफ़ी सारे इमेज जूम टेस्ट सब कुछ दिखाया, वीडियो वगैरह दिखाया, दोनों में काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स मिल जाती है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कौन सी अच्छी लगती है? जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी कैमरा अच्छा लगा हो, ये रिजल्ट्स में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कौन सा अच्छा लगा आप हमें कमेंट्स में बताओ। अगर मैं Vivo बताऊँगा कि Vivo का अच्छा लगा तो Vivo Redmi वाले बोलते हैं कि आपने गलत बोला। अगर मैं Redmi अच्छा बताता हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने गलत बोला। तो मैं इस चीज़ को जो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है वो बताइए। कलर टोन, रेगुलर मोड, नॉर्मल मोड,
कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है पोर्ट्रेट शॉट, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।